गाइस, कुछ दिन पहले मैंने अपने इस चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमको कैसे क्लाइंट्स ढूंढने चाहिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम लोगों को कैसे और क्लाइंट मिल सकते हैं। तो गाइस, मेरी इस शॉर्ट वीडियो पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सर, हमारे को इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बना करके दो। तो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स। तो गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, मैंने आज की अपनी इस वीडियो को चार पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें नंबर वन है हाउ टू सर्च क्लाइंट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमको कैसे क्लाइंट ढूंढना चाहिए, कैसे हम लोगों को क्लाइंट मिल सकता है। नंबर टू है बिल्ड अ डिज़ाइन फॉर क्लाइंट, मतलब कि जो हमने क्लाइंट ढूंढा है, जो सर्च किया है, उसके लिए हम लोगों को कैसे डिज़ाइन बनाना चाहिए। नंबर तीन है मीट द क्लाइंट, क्लाइंट से कैसे हम लोग मिलेंगे, क्या उससे बात करेंगे, कैसा अपना डिज़ाइन जो है उसको प्रेजेंट करेंगे। नंबर चार है कमिटमेंट, जब हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो उससे हमारे को कैसे कमिटमेंट करना चाहिए, क्या कमिटमेंट करना चाहिए, कितना हमारे को अपने कमिटमेंट पे फोकस रखना चाहिए। तो गाइज, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं अपने पहले फेस की साइड, जिसका नाम है हाउ टू सर्च क्लाइंट। तो गाइज, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में हमारे को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है कि हमारे को वहाँ से क्लाइंट मिल जाएंगे। हमारे को स्टार्टिंग में अपने ही आसपास से ही क्लाइंट ढूंढने होते हैं, जो हमारे आसपास मार्केट होती है, अपने जो सराउंडिंग 4-5 किलोमीटर का एरिया होता है, हमारे को स्टार्टिंग में वहीं से क्लाइंट ढूंढने चाहिए। अब ये क्लाइंट आपका एक बड़ा रेस्टोरेंट भी हो सकता है, एक बड़ा सैलून भी हो सकता है, ज्वेलर्स भी हो सकता है, एक होटल भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है। आपके मार्केट में इस टाइप की चीज़ें ज़रूर होती हैं, मतलब कि इस टाइप के क्लाइंट ज़रूर होती हैं। तो आपको बस इन्हीं क्लाइंट्स को ढूंढना है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी मार्केट में जाना है और इस टाइप की चीज़ों को सर्च करना है, जो भी इस टाइप से क्लाइंट हैं, जैसे ज्वेलर्स हो गया या फिर कोई रेस्टोरेंट हो गया। अब आपको क्या करना है कि सिंपली इनका नाम देखना है और ये देखना है कि हाँ, इनका लेवल अच्छा है, ये इस टाइप का काम करा सकते हैं या कराते होंगे। बस आपको उनका नाम देखना है, आपको वहाँ विजिट नहीं करनी है, ना ही वहाँ के किसी भी पर्सन से कोई भी कॉन्टेक्ट करना है, बस आप उनका नाम देख लें। नाम देखने के बाद में आप उनके नाम को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर सर्च करें और देखें कि वो लोग सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं, उनकी वेबसाइट है या नहीं है, वो लोग फेसबुक पे अपने जो पोस्ट हैं उनको डालते हैं या नहीं डालते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी या फिर जो पोस्ट हैं उनको डालते हैं या नहीं डालते हैं। आपको अगर वो इंस्टाग्राम पे दिख जाता है या फेसबुक पे दिख जाता है, उसके बाद में आप देखें कि वो जो पोस्ट डाल रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डालते हैं या फिर कभी कभार डाल देते हैं। उसके बाद में आप ये देखें, जो उन्होंने पोस्ट डाली है वो किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की हुई है या फिर वो एक रैंडम ऐसे ही पोस्ट है या फिर किसी ने भी ऐसे ही बेकार सी एक पोस्ट डाल रखी है। अगर आप उनके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर आप उनको ठीक से विजिट करेंगे, उन पर टाइम देंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो एक कैसा क्लाइंट है, वो रेगुलर काम करवाने वाला है या फिर करवाता है, या फिर जो उसकी पोस्ट पड़ी हुई है वो उन्हें किसी डिज़ाइनर से करवाई हुई है। अगर उसने किसी डिज़ाइनर से वो पोस्ट डाली हुई है, डिज़ाइन करवा के डाली हुई है, तो आपको पता लग जाएगा। तो इसका मतलब वो ऑलरेडी काम करवाता है, आपके लिए और भी ईजी है, उसको बताना नहीं पड़ेगा कि हम ये काम करते हैं और ये काम ऐसा होता है। अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और उसकी जो पोस्ट हैं वो ऐसी नॉर्मल पड़ी हुई हैं, आपको लगता है किसी भी डिज़ाइनर ने नहीं डाली है, तो वो किसी भी डिज़ाइनर ने नहीं डिज़ाइन की है, वो उसने खुद से ही डाल रखी है, नेट से उठा करके डाल रखी है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा सही हो जाता है, क्योंकि उसको अब ग्राफिक डिज़ाइनर की एक रिक्वायरमेंट है लेकिन उसके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है। तो गाइस, इस तरीके से हम लोग अपना क्लाइंट जो है वो फर्स्ट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में हम लोगों को बस इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब चलते हैं अपने सेकेंड फेज की साइड। तो गाइस, अपने सेकेंड फेज में हम लोग बिल्ड करेंगे डिज़ाइन। जैसे कि हमने फर्स्ट फेज में देखा कि हम लोगों ने एक क्लाइंट सर्च कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेस्टोरेंट को सर्च कर लिया और हमको लगता है कि काम करवा सकता है और ये सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, तो अब हमारे को सिंपली इसके लिए कुछ डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है। तो अब जो हम इसके डिज़ाइन बनाएंगे वो इससे कुछ पूछ के नहीं बनाएंगे, ना ही इसको कुछ देख करके बनाएंगे, बस हमने जो इसका सोशल मीडिया देखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था और मुझे लगता है कि ये काम करवा सकता है, तो हम लोग अपने ही अकॉर्डिंग उसके कुछ अच्छे से क्रिएटिव बनाएंगे। अब हम लोग डिज़ाइन क्या
कर सकते हैं। कम से कम हमारे को 3 डिज़ाइन उनके लिए बनाने होंगे। तो इसमें जैसे कि मैं 2 सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता हूँ उनके लिए, एक सिंगल पेज फ्लायर या फिर एक सिंगल पेज मेन्यू कार्ड बना सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रेस्टोरेंट का, तो इस तरीके से हम लोग उनके ये 3 डिज़ाइन बनाएंगे। अब इन तीनों ही डिज़ाइन को हम लोग नॉर्मल भी रखेंगे और इनको मॉकअप में भी रखेंगे। हो सके तो आप इनका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट में और ज़्यादा क्लियर दिखते हैं और ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। तो ये 2 काम हो गए हमारे कि हमने सबसे पहले एक क्लाइंट को सर्च किया और फिर उसके बाद सर्च करने के बाद में उसके लिए एक 3 डिज़ाइन बना दिए। 3 डिज़ाइन के साथ साथ आपका एक पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो में आपका काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 10 से 15 आपके अपने भी पर्सनल डिज़ाइन होने चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के, और ये अलग अलग इंडस्ट्री के होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमारे 2 फेज कंप्लीट हो गए कि हमने क्लाइंट भी सर्च कर लिया और यहाँ पे उसके लिए डिज़ाइन भी क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं हमने तीसरे फेज की साइड। तो गाइज, जो हमारा 3rd फेज है वो है हाउ टू मीट क्लाइंट, और ये वाला फेज आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग किसी से भी बात करने में काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और कैसे बात करें सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम कुछ टाइम तक ऐसा करते हैं, अलग अलग क्लाइंट से बात करते हैं, तो वो हमारे यूज टू हो जाता है। तो इस फेज में हम लोग करेंगे ये कि जो हमने रेस्टोरेंट सर्च किया था जिसके लिए हमने डिज़ाइन बनाए थे, हमको उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है। अब ये मत पूछना कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, आप फेसबुक, इंस्टा, उनकी वेबसाइट कहीं से भी नंबर निकाल सकते हैं। और सिंपली उनको कॉल करना है कि सर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने आपके रेस्टोरेंट के लिए एक डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ ही डिज़ाइन की है, लेकिन उनको ये नहीं बताना है कि आपने क्या डिज़ाइन किया है, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मिल करके आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट आपको फर्स्ट टाइम ही बोल दे कि हाँ ठीक है, आप रेस्टोरेंट आ जाइए इस समय पे और आप मुझे आकर के दिखा सकते हैं। कई बार वो ऐसा भी बोल सकता है कि आपने जो डिज़ाइन किया है वो मुझे आप व्हाट्सअप कर दें या मेल कर दें। तो आप फोकस इस पे रखें कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको मिलने के लिए बुला लें, आप ज़्यादा जोर उस पर ही दें कि वो मिलने के लिए बुला लें। जैसे ही वो बोले आप मुझे व्हाट्सअप या मेल कर दें, तो आप बोलेंगे सर मैं आपको मिल करके दिखाना चाहता हूँ, अगर आज टाइम नहीं है तो मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ, क्योंकि मिल करके मैं आपको सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में दोनों में दिखा सकता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मैंने क्या डिजाइन बनाया और वो क्यों बनाया। तो जब ऐसा आपका सामने वाला क्लाइंट सोचेगा कि उसको बिना बताए, उससे बिना पूछे आपने कुछ डिजाइन बनाया, तो 100% कुछ अच्छा ही बनाया होगा, कुछ क्रिएटिव बनाया होगा, और यहां पे 99% चांसेस हैं कि वो आपको मिलने के लिए बुलाएगा। जब आप मिलने जाए तो उसको जो उसके लिए आपने डिज़ाइन बनाए हैं वो अपने लैपटॉप में लेकर के जाएं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में कैरी कर सकते हैं, उनको मोबाइल में लेकर के जा सकते हैं, उनका प्रिंटआउट लेकर के जाएं, अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन भी लेकर के जाएं, और वहाँ पर जाकर के उनके डिज़ाइन दिखाएं कि सर मैंने आपके लिए ये बनाया है। जब उनके आप डिज़ाइन दिखा दें तो उसके बाद में कुछ अपने पोर्टफोलियो के डिज़ाइन भी दिखाएं कि सर मैंने ये भी कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। इससे होगा कि आपके क्लाइंट को लगेगा कि आप एक जेन्युइन ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आप अच्छे डिज़ाइन करते हो। अगर अब वहाँ पे वो आपका क्लाइंट पूछता है कि आप क्या चार्ज करते हो या कैसे डिज़ाइन करते हो, तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि आपकी जो डील है वो 90% क्लोज हो गई है। आपका जो क्लाइंट है वो आपको आपके डिज़ाइन से सेटिस्फाई है और वो आपको काम देना चाहता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्लाइंट बोले कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनर है, या फिर मैं इन चीज़ों को करता ही नहीं हूँ, मेरे को अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको सिंपली वहाँ पे अपना कार्ड देना है कि सर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करके बुला सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में ये होता है कि अगर फ्यूचर में वो कभी भी काम करवाएगा तो मैं आपसे यहाँ पे 100% श्योरिटी लेता हूँ कि वो आपको ही कॉल करेगा, क्योंकि आपने बिना उससे पूछे, बिना उसके बताए उसके लिए एक काम करके दिया है। ठीक है, और जो आपने काम दिया है वो आप उसको ही दे दें, उसके ही हैंड ओवर कर दें कि सर मैंने आपके लिए सैंपल बनाया था, अगर आप काम नहीं भी करवाना चाहते तो आप ये मेरी साइट से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पब्लिश कर सकते हैं। तो इससे वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे को उस क्लाइंट से मिलना है, मतलब कि उससे एक फ्रेंडशिप टाइप करनी है। और जब ऐसा हो जाता है तो वो उसके पास अगर डिज़ाइनर है भी तो वो आपसे आपके रेट लेगा। अगर आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो उसके डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाया है तो आपके डिज़ाइन से इम्प्रेस होगा और आपको काम देने की बात करेगा। तो गाइस, इस तरीके से हम लोग अपने क्लाइंट से मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 फेज हो गए कि हमको कैसे क्लाइंट सर्च करना है, कैसे उसके लिए डिज़ाइन बनाना है और कैसे उससे मिलना है। अब चौथा जो फेज है हमारा वो है कमिटमेंट का। तो गाइस, जो हमारा कमिटमेंट का फेज है वो ये है कि जो भी हम कमिटमेंट करें अपने क्लाइंट से कि मैं आपके लिए, मान लो आपकी डील कन्फर्म हो जाती है,
और वो बोलता है कि ठीक है आप मेरे लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, तो आप जो भी कमिटमेंट करेंगे सर मैं 2 दिन में आपको इतने सोशल मीडिया पोस्ट दूंगा या 2 दिन में या 1 हफ्ते में, जितने भी आप कमिटमेंट करें आप उतने ही दिन में उसको डिलीवर करें। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 डेज का टाइम लिया कि मैं 2 डेज में आपको 2 सोशल मीडिया पोस्ट दूंगा, तो आप ऐसा भी ना करें कि आप पहले ही दिन उसको दे दें और ऐसा भी ना करें कि आप उसको तीसरे दिन दें, आप 2 ही दिन के अंदर ही उसको दें, पहले दिन भी ना दें ना तीसरे दिन दें, दूसरे दिन में ही दें। अगर आप पहले दिन दे देते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अगर आप तीसरे दिन देते हैं तो जो आपका कमिटमेंट है वो फेल हो गया, तो आप उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको दें। ये आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइस जब आप इस तरीके से क्लाइंट ढूंढते हो तो इस टाइप से जो भी आपको क्लाइंट मिलता है तो वही क्लाइंट आपको आगे के क्लाइंट भी ला करके देगा। जब उसके सर्कल में, उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके नोन में किसी को भी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी तो वो आपको ही रिकमेंड करेगा। तो गाइस ये मेरा एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोगों को कैसे क्लाइंट ढूंढने चाहिए, और जब हम लोग इस टाइप की कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं तो हमारे को फिर सोशल मीडिया पे क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं होती, हमारे से आसपास से ही खुद ही क्लाइंट मिलने लग जाते हैं, क्योंकि वो सब एक दूसरे को बताने लग जाते हैं कि हाँ मैं उससे काम करवाता हूँ, आप भी उससे काम करवा सकते हैं। तो गाइस ये मेरे कुछ 4 सिंपल से स्टेप थे जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी अगर इनको फॉलो करेंगे तो होप्सो आपको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे क्लाइंट ढूंढने और कैसे उनके लिए काम करना है। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।